लेकिन मैं बस अभी समझ पर बहुत डर लग रहा है और तुम भी फिट जाओगे मेरे साथ लेकिन मैं बस अभी समझ पर हां हम बेचैन दिखाया था बैठो 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 पानी होनी चाहिए लंबा सांस लीजिए थोड़ा देखिए बाल उधर लंबा सांस लीजिए मैम आप लंबा सांस आप सब करिए और आगे देखिए बहुत ही बेहतरीन। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो गई है सुबह और आप देख सकते हैं सभी लोग तैयार हो रहे हैं और हम भी बस अभी उठे हैं। आप देख सकते हैं सामने हमारे बड़े भैया तैयार हो रहे हैं। अभी चल भैया हमारे तैयार हो गए हैं सुबह का चाय नाश्ता खाओगे। तो अभी हम हैं धनबाद में और देख रहे हैं सभी लोग बारी बारी से तैयार हुए हैं। हम भी उठे तो सबसे पहले चाय पिया हमने, उसके बाद से गुनगुना पानी पिया हमने लेकर के। तो गुनगुना पानी पीने के बाद हम भी उठे फ्रेश हो गए और फ्रेश होकर आप देख सकते हैं दोस्तों अब हमारी बारी आ गई है। तो बस हम भी चल रहे हैं अब नहाने के लिए, तो जस्ट आप वेट कीजिए। तो हम भी नहा कर तैयार हो गए, आप देख सकते हैं दोस्तों बस हम भी रेडी हो रहे हैं और आप बाहर का मौसम आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर मौसम हुआ है आज। सभी लोग तैयार होकर चले गए हैं मंदिर, हम भी तैयार हो गए हैं। आप सब बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आप सब लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। तो बस हम भी बस अब नीचे आ गए सीढ़ी से, आप देख सकते हैं हमारे साथ दोस्तों। फिलहाल चलिए अभी चल रहे हैं मंदिर और बस कुछ ही दूरी पे सभी लोग आगे चल रहे हैं। आप देखिए हमारा फोन को लेकर सभी को एक यही कंप्लेन होती तो दोस्तों आगे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वी लव धनबाद। अभी हम लोग हैं धनबाद में और पासी के मंदिर में बहुत अच्छी दुर्गा जी की प्रतिमा है, तो बस आइए आपको वहीं दिखाते हैं। सभी लोग हमारे घर के बस वहीं चल रहे हैं पूजा करने के लिए, तो आप सब भी चलिए दोस्तों साथ में। और सिर्फ एक हमारे आ जाने से आप मौसी और चाची के चेहरे पर मंद मंद मुस्कुरान आप देख सकते हैं दोस्तों। तो बस धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामने हमारे मौसा जी भी तैयार होके आ गए, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जूता घर है और जस्ट बगल में ही सभी लोग अपना स्लीपर और जूता जमा कर रहे हैं। और सबसे पहले पूजा का थाल लेकर हमारी चाची हंसते हुए चल रही हैं। दो नंबर पे मौसी और इनकी थोड़ी सी कंप्लेन है, आप भी सुन लीजिए। हम फोटो नहीं लेते, सिर्फ ब्लॉग लेते हैं। खैर कोई ना, हम लोग मंदिर में एंट्री कर दिए हैं। चाची मौसी और फुआ सभी लोग आ रही हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ। धीरे धीरे सभी लोग मंदिर के मेन एंट्री गेट से प्रवेश कर दिए हैं। मौसा जी आगे आगे चल रहे हैं, सभी लोग पूजा का थाल लेकर आप देख सकते हैं दोस्तों सामने से सभी लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो सबसे पहले मत्था टेकी हमारी फुआ, आप देख सकती हैं सामने, और मत्था टेक कर सभी लोग बारी बारी से बस मंदिर में ले रही हैं। आप देख सकते हैं चाची और मौसी भी आ रही हैं पीछे से। तो दोस्तों अंदर कैमरा ले जाना सख्त मना है, तो आप सभी को हम माता रानी का दर्शन यहीं से करवाते हैं। आप सब देख सकते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है, तो आप सब कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी। हमारे मौसा जी मौसी जी को कुछ बातें बता रहे हैं। महिला पुरुष, तो दोस्तों मंदिर में काफी देरी तक पूजा करने के बाद मौसा जी सबसे पहले निकले, आप देख सकते हैं हमारे साथ। और आइए आपको प्रवेश गेट दिखाते हैं सामने से मंदिर का, ये है प्रवेश गेट। और हमारे साथ है सोनू भैया और मौसा नीचे इंतजार कर रहे हैं। मौसी धीरे धीरे आ रही है, आइए मौसा जी से कुछ बातें करते हैं। कहते रहिए कि कैमरा के साथ हम चले आराम से। मौसी अरे आप लोग सामने 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 एक साथ हो जाइए। हाँ ये देखिए थोड़ा सा स्माइल। भैया खड़ा हो कि ये खींचा सकता। अंदर मौसा जी को फोटो खींचने से मना कर दिया, इसीलिए मौसा जी थोड़ा सा हर बात को नोटिस कर रहे हैं। और एक बार सभी लोग अच्छे से खड़े हो जाइए और देखिए हमारे इस तरफ थोड़ा सा स्माइल। और आप देख सकते हैं सामने गठबंधन की सरकार है, हमारी छोटी छोटी बातों से सबके चेहरे पे थोड़ा स्माइल आ ही जाता है। आप सब बताइए, तो वीडियो को लाइक करना है तो आप सब जरूर वीडियो को लाइक करते रहिएगा। पूजा करने के बाद फोटो खींचने के बाद सभी लोग आ गए घर पे और देख सकते हैं सामने चाय सभी लोग पी रहे हैं सुबह का।
चाय गर्मा गर्म आप देख सकते हैं हमारे साथ। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और बगल का, जहाँ पे अभी स्टेज की तैयारी हो जाएगी। तो बस सामने रूम में आप देख सकते हैं, सामने सोफ़ा है और बस कैमरामैन अपना फिट कर रहे हैं, बाकी सभी डेकोरेट अभी किया जाएगा। कुर्सी वगैरह सब लाइन से लग गई है, आप देख सकते हैं सामने। और इसी क्रम में हमारे बड़े भैया बता रहे हैं हमको कैसे फोटो खींचना चाहिए। माननीय श्री भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख, क्या बताइए, तो सबको को वीडियो को लाइक करना है, तो आप सब दबा के लाइक करते रहिए महाराज। इस बार के चुनाव में भैया को कोई नहीं दबा सकता। आइए दोस्तों बाहर का रुख करते हैं। सामने आप देख सकते हैं सभी लोग नाश्ता करना शुरू कर दिए, और सामने हमारी फुआ कर रही हैं नाश्ता और चश्मा ऐसी लगाई है जैसे लग रही है कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है। तो डॉक्टर फुआ नाश्ता कर रही है, आइए अपने फुआ से जानते हैं कि फुआ क्या खा रही है नाश्ते में और कैसा लग रहा है। फुआ हेलो, सामने देखिए, तो फुआ सामने दिखाइए थाली सबको। और कुछ पूरी होगी और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारी डॉक्टर फुआ बैठी हुई हैं, तो आइए जानते हैं इनसे। डॉक्टर फुआ और पूरी ओड़ी कुछ। तो फिलहाल सभी लोग अपना नाश्ता कंप्लीट कर रहे हैं, हम भी अपना नाश्ता कंप्लीट करके आइए ऊपर का नजारा देखते हैं क्या हो रहा है ऊपर में। तो फिलहाल ये है हम लोग का रूम, आप देख सकते हैं। बस निहाल भैया सामने चल रहे हैं, देख रहे हैं सभी का, सभी लोग अपने अपने रूम में तैयार हो रहे हैं। और इसी क्रम में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं मौसा जी हमारे बगल में थोड़ा सा एक छोटा सा नैप ले रहे हैं, तो जस्ट हम भी थोड़ा सा रेस्ट किए। और चलिए आपको दिखाते हैं बगल वाले चाची के रूम में कि वहां पे क्या हो रही है, कैसे तैयारी हो रही है। आइए देख सकते हैं, फिलहाल चाची हमारी रेडी हो रही है और चाची को अभी पता नहीं है कि हम जस्ट कैमरा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चाची के लिए बस एक ही शब्द कहेंगे कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फिलहाल आप देख सकते हैं जितना भी डेकोरेशन जो कुछ भी हुआ सब कुछ चाचा जी का मैनेजमेंट है। आइए चाचा जी सामने देखिए तो जरा, बहुत सही। चलिए नीचे फिलहाल चाचा चल रहे हैं, नीचे का मैनेजमेंट कैसा है आइए आपको दिखाते हैं नीचे से। तो ये हैं चाचा के कुछ खास दोस्त जिन्होंने चाचा के साथ मिलकर सारा प्रबंध किया और बहुत ही अच्छा लगा। आप देख सकते हैं सभी लोग, बस तैयारी हो गई है, बस मेहमान भी आने वाले हैं। सभी चाचा को बोल देते हैं, चाचा तैयार हो रहे हैं। चलिए चाचा को तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं चाचा जी भी बस तैयार हो ही रहे हैं, जूता वगैरह पहन करके। और सामने हमारे मौसी भी तैयार हो रही है, आप देख सकते हैं तो मंद मंद मुस्कुराते हुए। और इसी क्रम में हमारे मौसा जी भी रेडी हो रहे हैं और सामने प्रवेश करते हैं हमारे मामा जी। तैयार होकर आ गए मामा जी हमारे, और चाचा भी हमारे तैयार हो रहे हैं और मौसा जी भी तैयार हो रहे हैं। सभी लोग एक साथ रेडी हो गए, तो सभी लोग का एक साथ एक फोटो हो जाए प्यारा सा। ऐसे ही खुश रहिए सभी लोग। ठीक है। तो फिलहाल सभी लोग तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं सामने, और मौसा जी भी हमारे तैयार होके पूरी तरह से फिट हो गए। और सामने देखते हैं निहाल भैया अभी तैयार नहीं हुए हैं, जस्ट कपड़ा लेके आ रहे हैं, तो चलिए इनको भी तैयार करते हैं सामने। निहाल भैया तैयार होना शुरू हो गए हैं। भाई साहब हमारे अभी तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ जे नइखे आइल मौसा, वो घर से देख लिया अपन कि क्या का भाई लड़की का जी। सही बात बोलते ही ना, रउआ लोग घरे से देखी सब वीडियो और फील करी कि का भइल बा वो दिन। तो फिलहाल बीच में आप सब बटन लाइक का दबाते रहिए और कमेंट करते रहिए कि वीडियो कहां कहां तक पहुंची हमारी, और शेयर कीजिए दबा के। तो फिलहाल निहाल भैया बस रेडी हो रहे हैं, आइए चलते हैं दीदी के रूम में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ शॉर्ट्स बन रहे हैं, कुछ फोटोग्राफी हो रही थी, तो आइए कुछ क्लिप आपको भी हम दिखाते हैं अपने कैमरे की नज़र से। आइए दिखाते हैं। दीदी के लिए भी वही लाइन बोला जाएगा कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो आप सब बने रहिए, बस कुछ क्लिप आपको दिखाते हैं शूटिंग का और फोटोग्राफी का, कुछ अलग अलग अंदाज में आपको।
देख सकते हैं दोस्तों पीछे इंडोर शूटिंग हो रही है, अभी जस्ट कुछ देर बाद आउटडोर शूटिंग होगी जो कि बाहर भी कुछ आप सैंपल देख सकते हैं सामने। फाइनली सब कुछ 2 घंटे के बाद। बैठो बैठो बैठो, पानी होनी चाहिए। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। अभी शायद दीदी थोड़ा सा नर्वसनेस फील कर रही हैं, आप देख सकते हैं। आइए थोड़ा हिम्मत बढ़ाते हैं इनका। लंबा सांस लीजिए, थोड़ा देखिए बाल उधर। डरते नहीं है, हिम्मत रखिए आप, एकदम हौसला बुलंद रखिए। हम सब हैं ना आपके साथ। मत कर। क्या डर लग? आराम से आराम से। इसमें बोलिए क्या हो रहा है अभी? बहुत डर लग रहा है, थोड़ी फिट जाओगे मेरे से। कोई ना, हिम्मत। हाँ हम सब हैं आपके साथ, कुछ भी होगा तुरंत ब्लॉग शूट हो जाएगा, टेंशन मत। लंबा लंबा सांस लीजिए मैम। तो अभी आप इनके चेहरे पे देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब डर और नर्वसनेस जो एग्ज़ाम देने से पहले होता है ना, बस वही चीज़ इनके चेहरे पे दिख रही है। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा इनको। लंबा सांस लीजिए मैम, आप लंबा सांस लीजिए। पानी होनी वाह। ये कुछ इनसे सवाल जवाब किया जाए। तो फाइनली सब कार्यक्रम होने के बाद हम आ गए दुल्हन के पास। क्वेश्चन ही भूल गए। ये बताइए अभी आपको कैसा फील हो रहा है, पूरी रात भर जो हम लोग ट्रेन में काटे हैं सिर्फ आपके लिए। तो अभी आप अपना एक्सप्रेशन बताइए, अभी आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत नर्वसनेस हो रही है, अच्छा भी लग रहा है, मिक्स्ड फीलिंग्स। अच्छा अच्छा, तो आप लोग वीडियो देखते भूल जा रहे हैं, तो एक बार दीदी याद दिला दीजिए। आनंद बिहारी ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोग कर दीजिए। चलिए नीचे दिखाते हैं, नीचे पूजा स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जीजा बैठे हैं और चाचा जी बैठे हैं, जस्ट आप देख सकते हैं पूजा हो रही है। और ये पहली दफा है जब जीजा हमारे कैमरे से अपनी आई कांटेक्ट किया, आप देख सकते हैं सामने। देख सकते हैं तमाम प्रकार की मिठाइयाँ, फल, और सामने बैठी हैं चाची और बगल में बैठी हैं मौसी जी और तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं सामने से जीजा भी फिलहाल बैठे हैं सामने, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं, कमेंट में बताइए अपना फीलिंग कैसा आपको लगा। और जीजा के तरफ से सभी फैमिली मेंबर आए हुए हैं, हमें तो कोई नहीं पहचानता है, शायद वीडियो के माध्यम से शायद इनसे हमारा परिचय हो पाए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं। और ये है हम लोग का पक्षी, ये तो सभी लोग पहले से ही हमको जानते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी फैमिली मेंबर, देखिए पीछे फुआ बैठी है और साथ में चाचा जी हमारे जो कि तिलक कर रहे हैं अभी जीजा जी को। आप देख सकते हैं कितना सुंदर और मनोहर पल है। इस सब पल को अपने कैमरे में अपने ब्लॉग में कैप्चर करने के लिए ही हम आए थे बस, जो कि आप सब देख सकते हैं, सारे मेमोरी को एक बार रिपीट कर सकते हैं देख कर, और अपने अपनी फीलिंग कमेंट में जरूर बता सकते हैं हमें अपने द्वारा। तो आप देख सकते हैं पूजा प्रारंभ हुई, सभी लोग पंडित जी से वार्तालाप कर रहे हैं चाचा अभी हमारे, और आगे का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए बस पंडित जी बोल रहे हैं। और सामने देख सकते हैं निहाल भैया बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्या बात है सर, स्मार्ट। और इसी नज़र में हमारे मोहित भी अभी बस जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाले फीलिंग में आ गए हैं। तो
तमाम सारे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं फोटो शूट हो रहा है। जीजा जी का साथ में हमारे बिट्टू भैया हैं और चाची और मौसी थोड़ा सा नर्वस हैं। आइए इनके चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कान लाते हैं। देखिए हमारे आते ही मौसी खुश हो जाते हैं और चाची के चेहरे पे तो हमारे आते ही हल्की सी मुस्कुराहट आ ही जाती है। सामने आप देख सकते हैं जीजा जी के पूरे परिवार के लोग जो कि अभी हमारे फैमिली भी हो गए हैं। आप देख सकते हैं सामने से कितने खुश नजर आ रहे हैं और दीदी को अब धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बस स्टेज की तरफ आ रही है दीदी। आप देख सकते हैं सामने बगल में फुआ है हमारी और फुआ साथ में आ रही है दीदी को लेकर के। जस्ट दीदी ने प्रवेश कर दिया है हॉल में। आप देख सकते हैं सभी लोग का निगाहें सिर्फ दीदी के तरफ है और फुआ हमारी जो कि मामी सभी लोग बैठे हुए हैं हमारे तरफ से, सभी लोग सिर्फ दीदी को देख रही हैं। आप देख सकते हैं काफी सुंदर दीदी लग रही हैं और पीछे से आ रहे हैं हमारे जीजू काफी मुस्कुराते हुए छोटे छोटे कदमों से। तो आप देख सकते हैं दीदी के चेहरे पे थोड़ा सा डर जैसे नर्वसनेस आ रही है। काफ़ी सारे लोग हैं और ऐसा सिचुएशन है, सभी लोग कभी ना कभी फील किए होंगे ऐसा सिचुएशन जो जैसे थोड़ा सा एक अंदर से डर बना रहता है। बस खैर कोई ना, सभी लोग अपने हैं। धीरे धीरे बात करते करते सभी लोग अपने फैमिली के मेंबर ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फुआ है हमारे दीदी के साथ में, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल पंडित जी अब बस आगे का जो पूजन का विधि है बस शुरू कर दिए और सामने बैठे हमारे पिताजी हैं और बगल में दीदी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर तरीके से पंडित जी अपना कथा शुरू कर दिए हैं और निहाल भैया काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने से हमारे और बगल में बैठी हैं बुआ हमारी। दोस्तों आप देख सकते हैं सभी लोग आए हुए हैं, पीछे हमारी छपरा वाली बुआ अकेले बैठी है। आइए कुछ उनसे गुफ्तगू करते हैं और इनके चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आते हैं। बुआ बताइए तो सभी को, वीडियो को लाइक करना है, बताइए तो बुआ सबको। तो दोस्तों सभी लोग से मिले, सभी लोग काफ़ी खुश मिजाज के और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के आदमी हैं सभी लोग। और हमारे सिर्फ एक आ जाने से ये पल जो है हमेशा के लिए कैप्चर रहेगा। आपको जब भी मन करे, जब भी मन करे आप देख सकते हैं, तुरंत पूरे सीन को आप एनालिसिस कर सकते हैं सामने से। आप देख सकते हैं पूजा अभी चल ही रही है, पापा जी इधर बैठे हैं और दीदी सामने बैठी हुई हैं। लोग बैठे हुए हैं, मामी फुआ निहाल भैया सभी लोग बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं। और पंडित जी धीरे धीरे विधि को आगे बढ़ा रहे हैं, पापा जी बस हर एक जो कि विधि विधान से कार्य हो रहा है आप देख सकते हैं सामने और बहुत ही सुंदर है। धीरे 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 सभी कार्यक्रम संपन्न की ओर बढ़ रहा है धीरे से, आप देख सकते हैं सामने। तो दोस्तों आप सब जितने लोग हैं सबके पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा, हमारे लिए इतना ही बहुत है। आप सब देखिए और बताइए को कैसा लगा वीडियो, आप सबको हमारी छोटी सी कोशिश। और आप देख सकते हैं इसी पल का इंतजार था, जीजा और दीदी एक साथ स्टेज पे बैठे हुए हैं, सामने बहुत ही सुंदर नजारा है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मम्मी जी जो कि थाली बहुत सुंदर तरीके से सजा के लाई हुई हैं, आप देख सकती हैं रिंग को मम्मी जी सामने खड़ी हैं और जस्ट देख सकते हैं चुंदरी से दीदी के ऊपर लगा रही हैं अभी मम्मी जी और बहुत ही सुंदर नजारा है आप देख सकते हैं। जीजा दीदी और मम्मी एक साथ और इसी की खुशी आप जीजा के चेहरे पे देख सकते हैं सीधा। बहुत ही सुंदर तरीके से मम्मी तिलक कर रही हैं अभी दीदी को और इसके बाद नेक्स्ट जीजा को, जो कि जीजा अभी देख रहे हैं कि बस अब हमारी बारी है तिलक की। और बगल में हमारी बुआ बैठी हैं आप देख सकते हैं दोस्तों। और बस मम्मी जी आगे का रस्म धीरे धीरे बढ़ा रही हैं जो कि, और मम्मी जी दीदी को आशीर्वाद स्वरूप में बहुत सारा सामान और गिफ्ट दे रही हैं आप देख सकते हैं। और इसी क्रम में धीरे धीरे जितने भी बड़े लोग हैं बस आशीर्वाद देने के लिए जीजा और दीदी को, अब सभी का एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। आराम से छोड़, अरे छोड़। तो आप देख सकते हैं सभी लोग क्रम से दीदी और जीजा को आशीर्वाद दे रहे हैं, लाइन लाइन से सभी लोग आकर अपना अपना आशीर्वाद दोनों जन को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने बहुत ही सुंदर, आप देख सकते हैं सामने चाचा जी हैं और बगल में पापा जी खड़े हुए हैं
और तमाम सारे न्यूज रिपोर्टर वाले भी अपना रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं सभी लोग क्रम क्रम से बस जा रहे हैं देने के लिए आशीर्वाद। और तो आप सब देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नजारा है अभी, और हम भी साइड में बैठे बस छोटा छोटा क्लिप कैच कर रहे हैं, आप सब देख सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है सभी को एक साथ देखते हुए। आप देखिए सामने अभी चल रहा है आशीर्वाद का। तो इसी क्रम में अब चाचा जी और चाची जी का बारी है आशीर्वाद देने के लिए दीदी और जीजू को। तो बस चाची चल रही हैं और निहाल भैया साथ में। आप देख सकते हैं सामने सभी परिवारजनों के चेहरे पे हल्की हल्की स्माइल है, आप देख सकते हैं सभी को। और इसी क्रम में जीजू की जो सिस्टर है उनकी तरफ से एक बड़ा सा गिफ्ट दीदी के लिए और जीजू के लिए, बहुत ही सुनहरा पल है। और इसी के साथ चाचा और चाची जी अब गए हैं जीजा और दीदी को आशीर्वाद देने के लिए। तो सर्वप्रथम चाची की तरफ से जीजा को तिलक और चंदन का तिलक लगाया गया, अभी आप देख सकते हैं सामने। और इसी के साथ दीदी को भी तिलक का लगाया गया और जीजा के लिए कुछ खास गिफ्ट चाचा के तरफ से। वैसे तो ये काफ़ी छोटा सा गिफ्ट है, आप देख सकते हैं। माँ तो माँ होती है, माँ को मिले तो माँ तो सारा जहाँ लिख दे खुशी में अपनी बिटिया के लिए। मगर खैर कोई बात नहीं, सभी लोग परिवार के ही हैं तो सभी लोग एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप सभी इस मोमेंट को देखकर फील कर रहे होंगे चेहरे पे, जो कि चाची के और चाचा के जो एक अलग सी मुस्कान है आप देख सकते हैं चाचा और चाची के चेहरे पे। और निहाल भी हमारे साथ भी खड़े हैं। तो फिलहाल आशीर्वाद देने के बाद अब क्रम से हमारे तरफ से सभी लोग धीरे धीरे बस आशीर्वाद देने के लिए चाची बुला रही हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले धनबाद वाली बुआ और फूफा जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सामने फूफा और फुआ, जो कि धनबाद वाले, पहला आशीर्वाद फुआ की तरफ से और फूफा की तरफ से। और इसी क्रम में धीरे धीरे चाची भी और तमाम सभी सदस्य जो परिवार के हैं, धीरे धीरे सभी लोगों ने अपना अपना आशीर्वाद दिया जीजू और दीदी को। फाइनली अब मौसी आशीर्वाद देने के लिए मौसी और मौसा जा रहे हैं दीदी और जीजी को, आप देख सकते हैं सामने। तो अभी इस क्रम को यहीं पे हम रोकते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि आगे का सीन है बहुत जल्द लाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको ये वीडियो, एक छोटी सी प्रयास, आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और वेट कीजिएगा, इसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्द आप लोग के साथ आएगा। तब तक के लिए लेते हैं आप सबसे विदा, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी। तो आप सब विदा दीजिए, गुड नाइट, राधे राधे।